कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में इस बात पर बहस हो रही थी कि जिस प्रकार कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही मनुष्य का स्वभाव भी नहीं बदल सकता। एकाएक एक व्यक्ति ने आवेश में आकर कहा, कौन कहता है कि कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती? महाराज, कुत्ते की पूंछ सीधी करना नामुमकिन है। महाराज, कोशिश तो करके देखें। ठीक है, चार व्यक्तियों को एक एक पिल्ला दे दिया जाए और इस काम के लिए उन्हें 6 महीने समय दिया जाए। 6 महीने बाद हम परिणाम देखेंगे। मंत्री ने सोचा, तेनाली राम को नीचा दिखाने का यह अच्छा मौका है। महाराज, तेनाली राम बहुत बुद्धिमान हैं। असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाते हैं, इसलिए इस कार्य में तेनाली राम को शामिल करना चाहिए। तेनाली राम, क्या तुम कुत्ते की पूंछ सीधी कर सकोगे? महाराज, मैं प्रयत्न करके देखूंगा। राजपुरोहित, मंत्री और दरबारी मन ही मन बहुत प्रसन्न थे कि अब तेनाली राम बुरे फंसे। देखते देखते 6 महीने बीत गए। पहला व्यक्ति दरबार में हाजिर हुआ। क्यों भाई, आप दिखाइए कुत्ते की पूंछ। कुत्ते की पूंछ अब भी टेढ़ी थी। दूसरा व्यक्ति दरबार में हाजिर हुआ। कहिए पंडित जी, आपके पिल्ले की पूंछ सीधी हो गई? जी हुजूर, बस अभी नली से बाहर निकाल कर दिखाता हूं। आइए मियां जी, आपका पिल्ला कैसा है? हुजूर, यह पिल्ला तो पूंछ ऊपर उठाता ही नहीं, आप स्वयं देखिए। इन कुत्तों की भी पूंछ अभी तक टेढ़ी ही थी। तभी तेनाली राम ने एक सेवक के साथ दरबार में प्रवेश किया, जिसकी गोद में कपड़े में लिपटा एक दुबला पतला पिल्ला था। उस पिल्ले की पूंछ सीधी लटक रही थी। तेनाली राम, तुम्हारा पिल्ला कहाँ है? महाराज, यहां रहा मेरा पिल्ला, यहां देखिए इसकी सीधी पूंछ। यह क्या तेनाली राम, तुमने बेचारे पिल्ले की क्या दशा कर दी? महाराज, पिल्ला मरने न पाए इसका मैंने पूरा ध्यान रखा है। कमजोर जीव अपनी आदत बदल लेता है, ठीक वैसे ही जैसे इंसान सुख दुख में बदल जाता है। अच्छा भोजन मिलने पर इस पिल्ले की पूंछ फिर टेढ़ी हो जाएगी। वाह तेनाली राम, वाह तेनाली राम की चतुराई, वाह तेनाली राम की बुद्धि।